आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 6 जुलाई की ईश्वरवदान की। परमिता परमात्मा कहते हैं कि हमें अपने बुद्धि में शुभ संकल्पों रूपी भोजन कहें या मोती कहें या हम गहने कहें या जेवर कहें, ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे थॉट्स की होनी चाहिए। परमात्मा चाहते हैं कि हम शुभ संकल्पों का भोजन अपने बुद्धि में स्वीकार करें और हम हमेशा स्वच्छ होलियंस बन करके रहें। तो परमात्मा के अपने शब्दों में, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। तो सरस्वती माता को होली हंस मतलब हंस के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, तो उनकी ये बुद्धि की निशानी है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी सिंबलिज्म्स हैं, जितने भी दिखाए हुए हैं औजार अस्त्र शस्त्र दिखाए हुए हैं या कोई पशु पक्षी दिखाए हुए उनके आसपास, वो सब कुछ शक्ति की निशानी या पवित्रता की निशानी। होली हंस होगी पवित्रता की निशानी, दुर्गा माता शेर के ऊपर बैठे तो शेर हो गया मतलब कि करेज एफर्ट हो गया या निडरता हो गई फियरलेसनेस हो गया, इसकी निशानी हो गई। ऐसे ही परमात्मा ने कहा है, हमें ब्रह्म कुमारी ने सिखाया कि हर एक जो भी सिंबलिज्म हैं जो कि ब्रह्म कुमारी में हमें सिखाते हैं कि जितने भी धर्म में सिंबल्स हैं वो सबके कुछ ना कुछ मतलब हैं, लेकिन उसको हमने असलियत में ले लिया है। जैसे कि देवी देवताएं असुरों का विनाश करते हैं, मार काट करते हैं, लेकिन वो मार काट लेनी है, वो अपने अंदर के असुरपन को खत्म करना ताकि औरों के अंदर भी असुरपन खत्म हो। हम अगर अभिमान में नहीं रहेंगे, अहंकार में नहीं रहेंगे, तो दूसरा व्यक्ति हमारे सामने भी अहंकार में अभिमान में नहीं आएगा। तो ये जितने भी अस्त्र शस्त्र वो हमारे खुद के लिए हैं। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं, अब होली हंस की बात करते हैं। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी बेकार की बातें, इधर उधर की बातें, फालतू बातें बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि किसी के बारे में चर्चा करना, किसी के बारे में प्लानिंग करना या बहुत ही ज्यादा भौतिकता में जाना, ऐसे कर नहीं सकते। होली हंस हमेशा क्या करते हैं, परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान है उसको हमेशा अपने ही मनन चिंतन में रखते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं ताकि वो मन से हल्के रहें और शुद्ध रहे उनका संकल्प। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं, ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच चोटी हैं मतलब कि जिनके अंदर विजडम और जिनके अंदर ज्ञान और शक्ति है, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। नीचे की बातें तो आप समझ गए होंगे, इधर उधर की बातें, चुगली करना, परेशान करना औरों को, औरों के बारे में बुरा सोचना, औरों के बारे में बुरा इच्छा रखना या बददुआएं रखना उनके बारे में, ये सब कुछ हो नहीं सकता, या बदले की भावना होना, ये सब कुछ नीचे बातें हैं। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र, पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते, किसी के बारे में अशुद्ध संकल्प नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। जो मन से तंदुरुस्त रहता है, मन से खिला हुआ रहता है, उसके मुस्कान चेहरे पर दिखाई देती है। गंभीरता भी बहुत जरूरी है इसके लिए, ताकि हम गंभीर होकर के इन चीजों को याद रखें। परमात्मा के दिए हुए खजाने जो कि मुरली है, उसको हम दिन भर में बीच बीच में याद रखें ताकि हमारे अंदर वो खुशी रहे, और गंभीरता से उसको तो करना ही है, गंभीरता मतलब सीरियसनेस से उसको याद करना। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता, चाहे कोई भी आकर के उनको कुछ भी कह दे, ये इंसान ऐसा है, इसने आपके बारे में ये बोला है, अरे पता है वो आपके बारे में क्या कहते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता। वो उल्टा खुश होते हैं कि चलो हमारे बारे में कोई बात तो कर रहा है। तो अगर अच्छी बात करे तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर बुराइयां कर रहा है तो और भी अच्छा है। उससे हमें पता चलता है कि हमें कहां पर अपनी दिशा चेंज करनी है, और होली हंस हमेशा ही उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मोती चुगने के लिए तैयार रहते हैं। तभी उनके जीवन में विजडम, विद्या सिर्फ किताबों के नहीं, विजडम बढ़ती है। सरस्वती माँ विजडम की देवी है, ना कि केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की देवी। तो विजडम एक अलग चीज़ है और भौतिक विद्या एक अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं, और आप भी आकर के इसको सीखें। ओम शांति के साथ।